बग्गा, मतलब डर का यू आलम है कि तुमने टाइटल ही चेंज कर दिया। हाय दैया रे दैया, अभी ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 घंटा हुआ होगा। इतने में हमार बग्गा 2 बार टाइटल चेंज कर चुका है। पहली बार कुछ और डैलेस था, लेकिन भाई साहब ई वाले टाइटल पे बस कुछ है लोगन का अधिकार है, सबका नहीं है। तो भैया बग्गे को किसका है डर, क्यों उसको करना पड़ा टाइटल चेंज? जी हाँ, आप बेहद अच्छे ढंग से समझते हैं कि इस समय हमारा बग्गा देखिए ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में बग्गा अपना इंटरफेरेंस नहीं करने देता है कुछ खास लोगों को, लेकिन भाई साहब अब देखिए बिजनेस तो एक ही लोगों ने दिया है, और जिसने दिया है तो वो बॉस हुआ ना, और बॉस की माननी पड़ती है। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस रोचक वीडियो में। बग्गी बेचारी डरी सहमी फिर से आ गई बड़कन्नी जिज्जी का सफाईनामा लेके। इसके अलावा बग्गे ने भाई साहब टाइटल अब चेंज कर डाला। हाँ मम्मी जी युका दिखाना चाह रही हो, और बग्गे ने टाइटल को का रख दिया। चलिए शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। 2 वजह होती हैं बग्गा के टाइटल चेंज करने की, या जब व्यूज इधर उधर लड़खड़ावन, या फिर सामने वाला जो बंदा है भाई, मतलब है तो वो बंदी है ना, लेकिन बंदों से कम नहीं है। कहा कि भाई साहब वो बंदों से बढ़कर है, मैं बग्गा से भी बढ़कर है उस घर में, क्योंकि उसकी वहाँ पर बोलती है। मम्मी हो या फिर बग्गा हो या फिर छुटकन्नी हो, मजाल है उसके खिलाफ जाके एक कदम उठा ले। उस जमाने गए जब सब अपने लिए इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। अभी अभी कभी कभी मतलब होता है कि मैं छुटकन्नी जिज्जी थोड़ा बागी हो जाती है, लेकिन उसका बागीपन ज़्यादा देर तक काम नहीं चल पाता है। तो ऐसे में क्या होता है दर्शकों, ऐसे में फिर से वही होता है कि हमारी जिज्जी ना बड़कन्नी जिज्जी के खिलाफ ना ही जा पाती है। तो दर्शकों पहले जो बग्गा का वीडियो आया, तो भाई उसने टाइटल डाला कि सास बहू ने आते ही घर संभाल लिया। आए हाय, कितना बढ़िया टाइटल है, वैसे इससे मिलता जुलता। कुछ दिन पहले किसने टाइटल डाला था, झूठ की दीवानी की इंडिपेंडेंट बहनिया ने, इंडिपेंडेंट दीदी ने डाला था कि भाई साहब मम्मी ने घर आते ही ऊपर नीचे दोनों संभाल लिया। और बग्गे ने आज डाल दिया कि सास बहू ने घर संभाल लिया, मतलब ससुर का नाती वो घर का हो गया, सब कोई संभाल ले जा रहा है। उधर बड़कन्नी जिज्जी संभाल रही हैं, मैं ऊपर भी बर्तन धो रही, नीचे भी बर्तन धो रही, ऊपर भी गैस साफ करी, नीचे भी साफ करी, वैसे सबकी जिंदगानियों को भी मैंने साफ ही कर दिया है। एक लोगों में सफा चट फिर से लगाया है ना। उधर छुटकन्नी, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, बीच में हालांकि मुझे थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है क्योंकि झूठ की दीवानी आ चुकी है। उधर ये चलता है। इतना नहीं दर्शकों, लगातार बार बार बस एक ही चीज़ बोली जा रही है कि जिज्जी ने यू कर दिया, जिज्जी ने वो कर दिया। आज तो भाई बग्गी भी आ गई जिज्जी का चालीसा पढ़ने, मजबूरी समझ सकते हैं हम, लेकिन बग्गी ई वाली हरकत तुम करो थोड़ा कम है। कहस कि भाई साहब ई जनता जनार्दन को रास नहीं आता है कि आप यहाँ पर चापलूसी करें कोनो बात नहीं, लेकिन आपसे बिना हमें यही उम्मीद है कि आप चापलूसी ही करेंगे। तो भाई जो टाइटल बग्गे ने डाला था कि घर आते ही जो है मम्मी और दुपट्टा ने संभाल लिया घर है ना, उसको थोड़ी देर बाद चेंज करके बग्गे ने कर दिया मम्मी हमसे गुस्सा ना ही है। अब देखिए ये टाइटल थोड़ा ऐसा है क्योंकि लगातार बार बार कई दिनों से टाइटल के माध्यम से भी बग्गा ये जता रहा था, और साथ में इंस्टाग्राम पे उसने स्टोरी भी लगाई थी कि किस प्रकार से बग्गा ने मुझे अनब्लॉक कर दिया है, पहले ब्लॉक कर दिया था बग्गा ने जब मेरा पहला वाला चैनल उड़ा दिया था है ना, तो उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पे भी ब्लॉक कर दिया था। हाँ, बग्गा सीधा है, ये लोग बहुत सीधे हैं है ना, किसी का कभी बुरा नहीं करते हैं, बस चैनल वाई उड़ा देते हैं ना, कोनो बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके है, हमें थोड़ी ना रोना रोना है और फिर सिधाई का ढोंग करना है ना। तो उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया था, उसने एक बार फिर से मुझे अनब्लॉक कर दिया है, लेकिन 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 इंडिपेंडेंट जिज्जी ने मुझे अभी भी ब्लॉक ही रखा है। जिज्जी आप भी कर दीजिए ना अनब्लॉक, मुझे ना दूसरे दूसरे लोग रील आपके डाउनलोड करके भेजते हैं, कोई स्क्रीन शॉट लेके भेजता है। औकात में रहो। अरे जिज्जी कैसन मजाक करती हैं, मतलब आज तक हम उम्मा से बाहर नहीं निकले हैं। अरे वही जो आप बोल रहे हैं जिसमें रहने के लिए। खैर जिज्जी देखिए, आपकी भाषा में अगर हम बोलें कुछ तो आपको यही बोलना चाहेंगे, 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, सब कुछ तो यही रह जाना है ना।
प्यार से रहो, सभी लोग प्यार मोहब्बत करो एक दूसरे से, किसी से नफरत ना करो है। तो जी करेंगे ना अनब्लॉक हमको, इसी नाते कर दीजिए, तब ही ना मानेंगे कि आप ना वाकई में कोनो से नफरत नहीं करती हैं है। अब क्या है, कभो कभार आपकी रील देख के विश्लेषण कर लेते थे, अब उमरा हमने आज तक कोई कमेंट तो करा नहीं, जी की वजह से आपने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मतलब आप हमको हेटर समझते हैं। अरे हम हैं आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, का ही बताएं, आपको कतई ही समझ नहीं आता। खैर छोड़ो, मुद्दे से भटकते नहीं हैं। अब जिस हमने रिक्वेस्ट तो कर ली है, बाकी आने वाले टाइम में ना पता चलेगा हमको जिजी अनब्लॉक करती है या नहीं। आप सबको क्या लगता है, का हमको बग्गा की तरह जिजी भी अनब्लॉक कर देगी? हम सबको पता है कि नहीं करेगी, कत्ता ही नहीं करेगी, क्योंकि हमारे जिजी को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कुल मिला के जिजी और यू जो बग्गा और बरकन्ने जिजे, ये सब जो मिल के गेम खेल रहे हैं, मतलब का ही बताऊँ। एक घर है, उस घर के काम को इन लोगों ने इतना बड़ा तूफान बना दिया है। अरे भैया, तुम ह्यूमन बीइंग हो, अगर तुम धरती पे आए हो तो देखिए जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, दैनिक प्रतिक्रियाएं हैं, वो तुम करते हो। कौन खाना नहीं बनाता है, कौन घर की साफ सफाई नहीं करता है, लेकिन उसको इस प्रकार से दिखाया जाता है जैसे कि भाई कारगिल के युद्ध पे भारतीय फतेह करके आए गए हैं। गाइज हमने ये कर लिया, गाइज हमने चूल्हा साफ कर लिया, गाइज हमने सिंक साफ कर लिया, गाइज मैंने बर्तन भी धो लिया है। वाह जी वाह, मतलब दर्शकों मुझे तो इतनी हंसी आई कि सब ना अपना अपना नंबर बनाने में लगे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो अपना नंबर छोड़ दे। मम्मी जी बग्गी का काम देखो तो लगता है कि नहीं सबसे ज़्यादा काम करती हैं, और अगर बड़कन्नी के काम देखो तो लगता है पूरे ऊपर से नीचे तक, चाहे साफन सफाई हो, चाहे गैस धुलाने का बारी हो, चाहे बर्तन धोने का हो, लेकिन उसके बावजूद भाई बग्गी 10 बार हमको बर्तन धोते हुए अपने वीडियो में दिखी। तो ये चल का रहा है, मतलब ससुर कनाती अब तो हमको सही में लगता है कि कहीं ये लोग ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम तो नहीं करने लगे कि हम पड़ोसियों के बर्तन धोएंगे। आप सबको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए जिस से ही हमने सीखा है कि कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों से तो इतने मतलब यार अलग अलग तरीके की हम चीज़ें पूछते हैं, तो आपको भी मज़ा आता होगा बताने में। इतना बर्तन कि हमको तो लगता है पूरी ज़िंदगी में हमने ना धोया होगा जितना ये लोग सिंक भर भर के बर्तन धो धो के दिखाते हैं। बड़कन्नी जिज्जी का जब बर्तन धोना हमने कल के वीडियो में देखा था, तो हमें लग रहा था कि 2-4 दिन बर्तन धोने का ज़रूरत ही ना पड़ेगा है। फिर बड़कन्नी ने बाहर भी साफ सफाई करी थी कैमरा लगा के, आज ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा दुपट्टा भाई जो फास्ट फॉरवर्डिंग लगाई दिख 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 इधर बाहर का हो गया, वो कपड़ा स्टैंड बिखरे उखरे पड़े वो सही कर लिया, अंदर भी कर दिया साफ सफाई। मतलब भाई साहब बग्गी का कर रही है हैं पूरे तरीके से। बग्गी ने बनाई सब्जी, मम्मी ने बनाई रोटी, शाम के खाने की तैयारी। अच्छा तो दर्शकों बारी लगी है, आई थिंक सबकी वसरी लगाए दिन गए हुई। अब वसरी मतलब गाँव में बोलते हैं पानी लगावे का, जो नहरियस पानी आवत है ना, समझ रहे हो ना? No. तो कई बार बोलते हैं कि भैया आज हमार वसरी है, तुम काहे पानी काटो, चलो बंद करो अपनी तरफ। तो फिर बंद करके उनकी नाली अपनी नाली में लगा लेते हैं। तो वैसे इनके यहाँ आजकल वसरी लगी है भाई साहब की अभी। मतलब दर्शकों बिना सिर पैर की बातें आज मुझे लग रही थी। एक तरफ जहाँ बग्गा अपनी कॉमेंट्री में बोला कि बहू रानी ने बनाई है सब्जी, मम्मी ने बनाई है रोटी, और वहाँ पर जब काम करने के बाद बग्गी बोलती है कि भाई आज सारा काम हो गया अब कुछ नहीं है, फिर याद आता फिर मैं काम बोलने लगी, फिर एकदम से पलटती, मतलब करने को तो कुछ काम था ही नहीं, मतलब दीदी ने ये कर लिया, मम्मा ने रोटी बना लिया, दीदी ने सब्जी बना लिया। बग्गा कह रहा था बहू रानी ने सब्जी बनाई, बग्गी कह रही दीदी ने सब्जी बनाई। तो दर्शकों का एक सब्जी में दो दो लोग लागत हैं, मतलब भाई कुनबावासी कुछ कर सके हैं भाई साहब। एक काम ना हो गया का ही हो गया। बाकी हमने ढेर सारे फुलके बना के रख दिए हैं, तो अगर किसी को खाना होगा तो वो कभी भी खा सकता है। एक एक काम को भाई ऐसे दिखाया जाता है कि इन्होंने जग जीत लिया है। हमें तो लग रहा है अगर कोई लंबा चौड़ा परिवार होता, अगर उसके लिए ये लोग बड़का बड़का बटुई बटुआ चढ़ाते तो का ही बोलते हैं। मतलब जो पुराने ज्वाइंट फैमिली हैं गाँव में, आज भी देखो वहाँ पर इतने बड़े बड़े वो भी चूल्हे पर चढ़ते हैं, उसके बाद उसका रगड़ रगड़ के जो धोना पड़ता है ना,
तब तो ये सब बेहोश हो के गिर जाते हैं। अपना नंबर जो इतना बनाम लगे रहते हैं, जबकि घर में चार चार महिलाएं हैं, चारों लकीर रहती हैं, उसके बावजूद जब एक कोई अपना वीडियो दिखाती तो ऐसा लगता है कि इसके अलावा कोई काम ही नहीं करता है। आप में से उम्मीद करती हूँ तमाम लोगों को ऐसा लगा होगा जब ये लोग अपना वीडियो दिखाते हैं कि भाई घर का तो यह बेटा उन्हें सबसे ज़्यादा काम कर रहा। नहीं नहीं यार, घर का तो काम सारा मम्मी जी संभाल लें, चाहे वो लहसुन हुआ, चाहे प्याज हुआ, चाहे घर का सब्जी काटी भाजी काटी वाला काम हुआ, फुलका भी बना रही मम्मी जी, आटा भी गूंथ रहे हैं। जब मम्मी जी का वर्जन देखो, मम्मी जी हालांकि ब्लॉगर नहीं, अपनी बिटौनियों के वीडियो में दिखती हैं, लेकिन फिर ये लगता है। फिर जब भैया छुटकन्नी जुज्जी को देखो तो लगता कि यार इससे ज़्यादा और कोई काम ही नहीं करता। भाभी जी मतलब बग्गी का देखो तो भाई साहब इतना ज़्यादा काम लगता है, इतना ज़्यादा कि लगता है कि सारी बहनियाँ करती हैं आराम, भाभी करती है सिर्फ काम। ये काम को लेकर ना हमको इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया कि हमको कतई समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों का समझ में आ रहा है भाई? हमें भी लग रहा है कि आप लोग भी एकदम सोच रहे हो कि कौन काम है ससुर करना थी जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। भाई ढेर सारा काम करने के बाद बीबी के हस्बैंड नींबू पानी बना के लाता है, फिर पिलाता है और थोड़ा थपथपे भी देता है, शाबाश मेरे शेर तूने कर दिखाया है। अब कुछ टरू वाले हैं जो बग्गी के टरू वाले, वो कह रहे हैं कि तुम ही सारे बर्तन काहे धो रही हो। टॉप पे जो कमेंट है वो यही है। अब लो, अब हमारी बड़कन्नी जिज्जी को बुरा लग सकता है दर्शकों की नहीं, मतलब दिल जिगर किडनी में घुसे वाली बात है। हमार जिज्जी ऊपर से नीचे भर भर के वॉश बेसिन में बर्तन धोए धोए रख रही है और यहाँ ये दुपट्टा नंबर बना ले रही है। उसके टरू वाले बोल रहे हैं कि तुम्हें सारा बर्तन काहे धोती हो, महारानी लोग काहे नहीं धो रही हैं। आए दैया रे दैया, अभी का हो रहा है भैया, का का देखना पड़ेगा। और जो बग्गा ने टाइटल लिखा रहा है कि मम्मी जी हमसे अब गुस्सा नहीं है हम लोगों से, तो भाई सब्सक्राइबर ने लिख दिया साफ साफ कि मम्मी जी का बना हुआ मुंह ये दर्शाता है कि मम्मी जी गुस्सा है कि नहीं। भाई मम्मी जी के मुंह पे ना स्माइल बहुत कम ही रहती है, मम्मी जी का ऐसे हरदम मतलब हम बना ही नहीं पा रहे हैं दर्शकों। जिस तरीके से मम्मी जी मुंह बनाती हैं, ऐसा लगता है कि भाई मम्मी जी के पता नहीं किसने कौन से रुपया पैसा रख लिया, बिल्कुल मम्मी जी मुंह सड़ा के बैठी रहती हैं। तो आप सबको कहा लगता है मम्मी जी का मुँह है ऐसा है, लेकिन देखो अपनी झूठ की दीवानी के वीडियो में तो मम्मी जी दांत चियार चियार दिखाती हैं। मम्मी जी इंटरव्यू देते वक्त भी खुशी हो जाती हैं और जब स्टेटस वाले फ़ोटो लगाने हों तब, अभी विगत दिनों में मम्मी ने बिंदी उंदी लगा के मेकअप वो करके ना एकदम अच्छी लग रही थी मम्मी जी, है ना। तब मम्मी जी का मुंह नहीं बना था, स्टेटस वाले फ़ोटो में तो बड़ी हैप्पीनेस दिखती है। लेकिन अगर मम्मी जी के मनपसंद का काम नहीं होता है तो मम्मी जी का जो मुंह बनता है भाई साहब, उसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत गंदा मुँह बनाती हूँ, ऐसे वाला मुँह। खैर का ही बनाए मम्मी जी मुँह। आज तो बग्गी ने दर्शकों ये तक गिनाए दिया कि कौन कौन काम में कौन कौन निपुण है। अगर किसी प्रकार के फुलके बनाने हो, वैसे तो फेमस नाम है छुटकन्नी जिज्जी का कि चाहे फुलका हो, चाहे पूड़ी हो, चाहे पराठा हो, चाहे 10 आदमी हो, चाहे 12, फुलका बनाने में हमार जिज्जी बिल्कुल कसर नहीं मारती, फुलका फुलाए फुलाए रख देती है। लेकिन दर्शकों गर्मी के मद्देनज़र रखते हुए फुलका बनाने की जो जिम्मेदारी मिली है वो हमारी मम्मी जी को मिली है। आटा गूंथो फुलका बनाओ। जो सब्जी का होता है तो चाहे कबो कबो बना लेती हूँ ऊपर वाली जिज्जी, कबो कबो झूठ की दीवानी, हाँ झूठ की दीवानी को जो खाना खाना होता वो खुद ही बनाती हैं, क्योंकि बग्गी का कहना उनका ज़ीरो ऑयल वाला खाना मैं नहीं बना पाती हूँ। लेकिन अभी मुझे कुछ भुर्जी उर्जी या कुछ बनाने जा रही थी तो ये न्यूट्री मैं ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है किस प्रकार से मलाई में बनानी है। तो अब झूठ की दीवानी तो यूँ खाएंगी नहीं क्योंकि वो तो डाइट पर है, बाकी नोना जिज्जा दवाई के खा सकते हैं। बग्गी ने आज लड़ाई कर लिया भाई साहब, अपनी छुटकन्नी जिज्जी से नहीं बड़कन्नी जिज्जी से आज बहस हो गई आपस में एकदम, कहो खोपड़ी थड़वल बाल फड़वल नहीं हुई गए, नहीं बाल नोच नाच के आज गंजी हो जाती। अरे ऐसा वैसा नहीं, किसी के विचार नहीं टकरान। असल माँ बड़कन्नी जिज्जी अपना नंबर बनाने के लिए काम पे काम करा रहती हैं कैमरा लगाए लगाए। अब बग्गी के ऊपर आता है कि भाभी करती नहीं है काम, करती है आराम लेकिन मुँह से बोलती है काम काम और ननन करती है पूरे काम। तो भाई जिज्जी से उसने कहा कि आप आई हैं यहाँ मेहमान नवाजी करिए, आराम करिए, काहे कर रही हैं इतना लगातार काम। लेकिन जिज्जी हमार मनती नहीं, तो इस बारे में भाई आज ना बग्गी से लड़ाई हो गई। आए हाय कितनी केयर है भाई साहब, मोहब्बत।
बग्गा बग्गी को बाहर का घूमन वाला पल बड़ा याद आ रहा है। बग्गा भी कह रहा था कि यार बहुत गर्मी लग रही है। बग्गी भी कह रही थी मुझे ठंड की याद आ रही है। अरे तो अभी तो एक ट्रिप और जाना है ना, काम वाला ट्रिप। अब वो काम वाला ट्रिप कब जाएंगे ये तो नहीं पता है। लेकिन जनता अभी भी बार बार जिज्जी से पूछ रही कि जिज्जी तनिक से विचार प्रकट करिए ना, 10 जून को का हुआ था, आपके नोना जिज्जा ने का किया था ना। छोटकन्नी जिज्जी बोल रही, बड़कन्नी जिज्जी से भी लोग पूछ रहे हैं कि भाई मेच्योरिटी अब छोटकन्नी को भी आ गई है, बड़कन्नी को भी आ गई है। क्षणिक मात्र वाले फैसले छोटकन्नी नहीं लेंगी जिससे उनको क्षणिक खुशी हो, वो लाइफ लॉन्ग वाली खुशी को ढूंढ रही हैं। अब जिज्जी की लाइफ लॉन्ग वाली खुशी कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। और जीवन को उन्होंने जीना भी शुरू कर दिया है। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ दर्शकों कि इन दिनों जो चीज़ें चल रही कुनबावासियों में, ये बस 2-4 दिन की चांदनी है। फिर देखिएगा कैसे इनके अहम टकराते हैं और कैसे इनके यहाँ पर ढिसम ढाएँ ढाएँ ढूँ ढूँ होता है। हाँ, अगर हाथ से नहीं कर सकते तो मनों में जलन रख सकते हैं। आप सबको बेहद अच्छे ढंग से पता है कि बग्गी को कितना ज़्यादा पसंद करती हैं छोटकन्नी जिज्जी, बड़कन्नी जिज्जी। मम्मी जी के साथ जब दोनों मिल के बैठती हैं तो जो व्यक्त करती हैं अपने जज्बात बड़कन्नी और छोटकन्नी और साथ में मम्मी जी, मतलब तीन तिकड़ी बग्गी को कितना पसंद करते हैं आप लोगों से छुपा तो है नहीं। बहुत सारे लोग तो मम्मी और छोटकन्नी बड़कन्नी के एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि भाई साहब क्या चल रहा है। वैसे आजकल बहुत कुछ चल रहा है और ट्रिप के दौरान भी बहुत कुछ चला था। अब बस ये देखना कि ये जो काम वाली ट्रिप है ये माँ बग्गा बग्गी साथ में जाएंगे या फिर बग्गा बग्गी यहीं पे आराम फरमाएंगे, मी टाइम लेंगे। कपल को ना अकेले रहने का अवसर दिया जाएगा ना, कपल बार बार अपना टाइम स्पेंड करे, एक दूसरे को जाने बूझे आगे कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है ना। जब कुछ ऐसा काम हो तो हम कपल को साथ में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि इनको उनका पर्सनल स्पेस हम दे रहे थे। कितने अच्छे हैं यार ये लोग, मतलब यार इतना सोचते हैं कपल के बारे में, कोई इतना ज़्यादा सोचता नहीं होगा, सोचता होगा नक्को जी। चलिए जी, अभी की जो इनकी कहानी है आज नहीं तो कल। हाँ, एक चीज़ और रह गई जिसके बारे में हम आपको बात करना चाहेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अदरक कूटते हुए बग्गा ने अदरक कूटा, लेकिन बग्गी ने कहा देखिए गाइस अदरक कूटते हुए हैं क्योंकि मुझे तो कूट नहीं सकते इसलिए अदरक के कूटेंगे। मतलब हंसी मजाक चल रहा था हस्बैंड वाइफ का, तो यहाँ पर एक अच्छा लगा नोकझोंक, छोटी मोटी अच्छी लगती है, रिश्तों में प्रगढ़ता लाती है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसी नोकझोंक करते हैं कि रिश्तों को तार तार करके टाएँ टाएँ फुस करा देती है। उसके बाद कपड़े उठाने वाले, धरने वाले, तह करने वाले, न जाने कितने शॉट बग्गी ने लगाए हैं। और थोड़े मोड़े काम, फिर अपना बिस्तर उस्तर सही करना, बेडशीट लगाना, और उसके बाद फिर नींबू पानी ऊपर मैडम ने बनाया था सबने पिया, और फिर जाते हैं बाज़ार, वहाँ कुल्फ़ी खाते हैं और समोसे चाट चटनी पता नहीं क्या क्या खाया जाता है भाई साहब। कुल मिला के सब कुछ बहुत अच्छा है। फिनाइल लाया गया है और भी कुछ चीज़ें खरीद के लाई गई हैं। बग्गी ये दिखाने की पूरे तरीके से कोशिश कर रही है कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। आय हाय बग्गी, ठीक है आप ऐसे ही हैप्पी रहिए, ऐसे एक्साइटेड रहिए, जनता को उल्लू बनाने की कोशिश करते रहिए। पर ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, अंदर बाहर सब पहचानती है कि कौन सा शो ऑफ है कौन सा का चीज़ का है। लेकिन बग्गा का ये टाइटल बदलना भाई साहब बहुत ही मज़ा आया हमको कि बग्गा डर भी ऐसी चीज़ होती है कि इंसान को बदलने के लिए मजबूर कर देती है। चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले भैया एक लाइक करके जाइएगा, लाइक में बिल्कुल कंजूसी ना ही कीजिएगा।